भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। योग संगीत की तरह है, शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा के सद्भाव मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, योग हमारी पुरातन परंपरा की अमूल्य देन है। यह मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रयास है। आइए इस प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति को अपनाएं और योग दिवस के महापर्व को मनाएं। उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर होने के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को खूब बधाई और शुभकामनाएं। योग भारतवर्ष का एक प्राचीन विज्ञान और कला है। यह हमारे मन, चित्त और आत्मा सब में एक सामंजस्य बनाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि ये जो हमें ख्याति मिली है माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से, योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। आप सभी योग निरंतर करते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना है। नमस्कार। योग दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पतंजलि में भी कहा गया है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की वृत्तियों को संतुलित रखना ही योग होता है। धन्यवाद। नमस्कार। योग एक प्राचीन विधान और कला है जो शरीर, मन और आत्मा के एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली पर आधारित है। आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नौवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एनसीटी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नवे